हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार। टेक्निकल सिंहवाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएमएस टेस्टर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो लिथियम बैटरी को भी होता है, सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक को पॉच, उसमें जस्ट एज अ ब्रेन की तरह काम करता है बीएमएस। लाइक दिस, यह क्या है, ये बीएमएस है, ठीक है। इस बीएमएस हमने खरीद के तो ले आया है, जो मैन्युफैक्चरर है इसका वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, बट मुझे उस पर कभी कभी टेस्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं अपने बेसिस पे जो मैंने पैरामीटर मैंने इसको बोला है वो पैरामीटर्स में इंक्लूड है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में ये मशीन जो है आपको बताएगा कि वो चीज़ है कि नहीं। ये है बीएमएस सिस्टम, 24S का बीएमएस है, 50 एम्पीयर चार्जिंग, 120 एम्पीयर डिस्चार्जिंग, ये मशीन का स्पेसिफिकेशन है। अगर इस मशीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, जिग है, जिग, ये जो है ये जिग, जस्ट ये 24S का जिग है, ठीक है। यह जस्ट लाइक बैटरी की तरह काम करता है, जिस तरह बैटरी के में सीरीज पैरेलल होते हैं तो उसी तरह ये है 1 2 3 4, जैसे एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, पांच से, तो ये 24 सीरीज है, ठीक है। तो 24 सीरीज को हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक करके अरेंजमेंट करेंगे। पहला जो होता है B0 होता है, तो B0 के इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो B0 को अभी हम छोड़ देते हैं। पास इसके बाद B1 से स्टार्ट होता है, इसमें हम क्या B1 B2 B3 सिक्वेंस में स्टार्ट होता है, यहाँ तक 15 तक, क्योंकि ये 15S 48 वोल्ट और 100 एम्पीयर का BMS है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 करके मैंने क्या किया, एक पहला ये है तो मैंने पहला में लगा दिया, एक में, ठीक है, पहला A1 में लगा दिया मैंने इसको, देखिए A1 में इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि इधर देखिए ये है, मैंने A1 है तो इसको मैंने क्या किया, इसको हटा के A1 में लगा दिया। ये चीज़ ध्यान रखें, इसको थोड़ा ज़्यादा हमेशा छील लें ताकि ये इसकी कनेक्शन प्रॉपर हो सके, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। अब इसको मैं खींच रहा हूँ, नहीं खींचा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा, हल्का इसको दबा दे, प्रेस कर ले। तो इस तरह से आप क्या करें, B2, मैंने B2 को भी इसमें कनेक्ट कर रखा है, देखिए इसमें, तो इसको एक एक करके 15 तक हर एक को मैं स्ट्रिंग वाइज आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कनेक्शन में हल्का भी दिक्कत है तो आपको टेस्टिंग आप पास नहीं होगा, वो हमेशा फेल बताएगा कोने कोई पैरामीटर में। तो इस तरह से BMS का कनेक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वायर। पॉजिटिव नेगेटिव वायर में हमारे BMS में काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शन सब दे रखे हैं, AB, ये सब आगे जो हमारा जो मशीन आई है उसको और हम एक्स्ट्रा फीचर के लिए हमारा ये सब ABC सब दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वायर है, ये इसका कनेक्शन के लिए वायर है, ठीक है, 20 17 से 24, उसके बाद B9 से 16 और B1 से 8 तक है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये जरूर याद रखें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 16 तक, 17 से लेकर 24 तक, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लगा दे, लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये स्टिकर नहीं फटना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही हो जाएगी। उसके बाद जो वायर इसमें कनेक्ट कर रखा है, अगर ये कभी कभी, क्योंकि जहाँ से मैन्युफैक्चरर इसके पास आते हैं ये सब ओपन रहता है, तो ये B0 का वायर है तो B0 को हमेशा B0 से कनेक्ट करें, C+ को C+ से, C- को C- से। उसके बाद है एक, अगर B नेगेटिव है, B नेगेटिव को B नेगेटिव से, उसके बाद B नेगेटिव को B नेगेटिव से, P नेगेटिव को P नेगेटिव से हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है जिस अकॉर्डिंग टू ये स्टिकर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो P नेगेटिव है, P नेगेटिव यहाँ पे बैटरी में BMS में P नेगेटिव ले रखा है, तो P नेगेटिव का वायर देखिए, ये P नेगेटिव का वायर यहाँ पे है, तो P नेगेटिव को P नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, P नेगेटिव को P नेगेटिव से, उसका B नेगेटिव एक वायर है, तो B नेगेटिव का एक ये वायर है, ये देखिए ये वायर है, तो इसको B नेगेटिव के वायर से, B नेगेटिव के वायर से कनेक्ट करते हैं। दूसरा है हम बैटरी को चार्जिंग करेंगे, ठीक है, तो चार्जिंग का भी हम क्या करेंगे, चार्जिंग का जो वायर रहेगा हमेशा P नेगेटिव में हम डालेंगे, ठीक है, P नेगेटिव से हम चार्जिंग का वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो है उसके बाद हमारा जो है एक B0 है, B0 को हमें कनेक्ट करेंगे, B0 और हमारा बैटरी का ये B0, बैटरी नेगेटिव का B0, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट रहता है आपस में, कभी भी जब BMS की डाटा शीट पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट रहता है, तो ये चीज़ ना भूलें, इसको आप प्रॉपर से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इसे कनेक्ट कर दिए इसमें ऐसे ही, और इसको भी हम कनेक्ट कर दिए,
ठीक है, ये दोनों को बी जीरो ये है और बैटरी का बी जीरो, तो इसको हम BMS का बी जीरो, इससे हम इसको कनेक्ट कर दिए। ये हमारा क्या हुआ, एक तरह का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करते हैं और पैरामीटर किस तरह फिट किया जाता है। ये BMS है, ये इस BMS का ये पैरामीटर है। जब भी आप पैरामीटर फिट करें तो आपके पास ये कॉपी पैरामीटर जो है BMS का जो भी डाटा शीट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आप डाटा फिट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप डाटा फिट कीजिए कि आप ये जो फिट दे रहा है पैरामीटर, वो पैरामीटर इसमें है या नहीं है। जैसे यहाँ पे डाटा शीट है दे रखा है, ये देखिए क्या है, वो 15S48V ये डाटा शीट है, ठीक है, दिल्ली का BMS है। तो इस तरह से ये पूरा डाटा शीट है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपको डाटा शीट भी बहुत बढ़िया से आप स्टडी कीजिए, जितनी बढ़िया से डाटा शीट स्टडी करेंगे उतनी बढ़िया से आप पैरामीटर इसमें फिट कर सकते हैं और BMS को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा शीट आप ज़रूर स्टडी करें। अब हम चलते हैं BMS के ऊपर। हमने क्या किया है, यहाँ पे ये ओपन मशीन ओपन कर दिया, मशीन सिस्टम और मशीन यहाँ से ओपन हो गया है, मशीन ओपन कर दिया। ये मैनुअली ऑपरेशन करने का ये प्रोसेस है, तो मैनुअली ऑपरेशन हम लोग मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम रहता है। मैनुअली ऑपरेशन से आपको डाटा जो है आपको नहीं मिल पाएगा, टेस्टिंग डाटा नहीं मिल पाता, तो हम क्या करते हैं मैनुअली ऑपरेशन इसमें हम स्टार्ट कर नहीं करते। तो हम इसको हम क्या कर रखे हैं, एक USB कॉम के थ्रू, USB और कॉम के थ्रू कनेक्ट कर रखे हैं। ये देखिए वो USB और कॉम के थ्रू इसको हम कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। इसका भी हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ड्राइवर, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है ये मशीन कनेक्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा VP8858 एक शॉर्टकट करके सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करते हैं। ये BMS का है, इसको ओपन करके क्लिक ओके, ये इस तरह का एक आइकन खुल जाएगा। अभी ये देखिए अनकनेक्टेड है, ये देखिए मतलब मशीन जो है कनेक्टेड नहीं है सिस्टम से। तो हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्टेड का एक ऑप्शन है यहाँ आता, देखिए ये एरो का है, दो चीज़ कनेक्ट हो जाएगी। जैसे इसमें क्लिक करेंगे देखिए टाइम आउट बताएगा, इसका मतलब है कि कॉम के साथ सेखानी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉम का एक ऑप्शन आता है, कॉम में जाएंगे और कॉम सेलेक्ट करेंगे। जो कॉम वन में नहीं है कॉम, अब देखिए यहाँ कॉम वन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसको हम काट देते हैं, एक और ओपन हो गया ऑलरेडी। इसमें देखिए ये ऑलरेडी दो ओपन नहीं कनेक्ट हुआ, अब इसको कनेक्ट करते देखिए, अब ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप किसी भी कॉम में जाइए, यहाँ से कॉम जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिक्कत हो जाती है। तो कॉम ज़रूर आप सिलेक्ट करें, जैसे कॉम थ्री में, आप कॉम थ्री किस तरह चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। कॉम चेक करने का प्रोसेस है, आप कंप्यूटर PC में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मैनेज में जाइए, उस पर मैनेज पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा पोर्ट का ऑप्शन, ये पोर्ट, जिसे पोर्ट आएगा तो कम्युनिकेशन और USB सीरियल पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। USB सीरियल पोर्ट कॉम थ्री पे कनेक्ट है, तो कॉम थ्री हमें पता चलेगा कॉम थ्री पे है, वहाँ से हम कॉम थ्री उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन जाएंगे और यहाँ पे कॉम थ्री पे चलेगा, बाकी कॉम वन पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो कॉम थ्री आप हमेशा सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है, तो ये कनेक्टेड हो गया। अब हम जाते हैं इसको बनाने के लिए, प्रोग्राम किस तरह बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन एडमिन है, इसका पासवर्ड 1234, ठीक है, पासवर्ड हम ओके कर देते हैं। आप जैसे ओके करेंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग है, ये सेटिंग ओपन करेंगे, यहाँ पर बेसिक है, प्रोटेक्शन है, सेटिंग है, एजिंग है, अदर है, तो ये सब है। तो बेसिक में हम सबसे पहले इसको पैरामीटर फिट करते हैं, ठीक है। बेसिक में आपको जैसे जैसे पैरामीटर इसमें दे रखा है, अगर आपके पास कुछ कुछ खुद से भी पता, जैसे सेल्फ कंजप्शन है, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन यहाँ पे 500 दे रखा है, बट करंट कंजप्शन कितना है वो नहीं दे रखा। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इसमें इतना करंट कंजप्शन है, तो मैंने 1000 यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में डाल दिया। सेल्फ कंजप्शन आपके डाटा शीट में दे रखा है कितना है, 500, तो मैंने डाटा शीट के अकॉर्डिंग मैंने 500 डाला है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 50 है, आपका है मिनिमम 20 है, यहाँ पे आप 20 डाल दीजिए। सर इसमें करंट कंजप्शन लिखा हुआ डाटा शीट के अंदर, अच्छा वो चीज़ नहीं लिखी हुई, तो 20 डाल दीजिए यहाँ पे, करंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस 20 है तो 20 डाल, तो 20 आपने यहाँ पे डाल, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इसका हमें वैल्यू नहीं दे रखा है, मिली वोल्ट का इसमें कहीं भी इसका वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। कहीं भी आप इसमें देखेंगे तो MV का वैल्यू नहीं है,
तो आप इसको स्किप कर दीजिए। सेकेंड आज 100 सर की प्रोटेक्शन, 100 सर की प्रोटेक्शन मैं सजेस्ट करूँगा बहुत कम ही आप टेस्ट करें, क्योंकि 100 सर की प्रोटेक्शन टेस्ट करेंगे तो एक दो बार टेस्ट करने नहीं होगा, तो तीसरा बार में BMS आपका फूक जाएगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा 100 सर की प्रोटेक्शन बहुत कम ही करें। तो मैं 100 सर की प्रोटेक्शन भी हटा रखा हूँ, इसमें 100 सर की प्रोटेक्शन का दे रखा है जी, 100 सर की प्रोटेक्शन, 100 सर की प्रोटेक्शन कंडीशन दे रखा है, ठीक है। 100 सर की एक्सटर्नल लोड में दे कर रखा है, 100 सर की प्रोटेक्शन डिटेक्टिव डिले 960 पे है, तो मैं ये 960 यहाँ पे डाल सकते हैं, बट इसमें है 100, बट हम यहाँ पे अभी हम टेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको स्किप कर रखें, सॉरी कुछ ये 960 हमें डाल रखे, बट हमें अभी टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि BMS फूकने के ज़्यादा चांस रहते हैं 100 सर की प्रोटेक्शन में। तो 100 सर की प्रोटेक्शन तब होता है जब पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में टच करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो यही 100 सर की प्रोटेक्शन है। कि हम कभी कभी जब बैटरी पैक बनाते हैं और जिस कोई बंदा अननोन बंदा होता है और पॉजिटिव नेगेटिव को टच करने के बाद क्या वो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा क्या होगा, उसके लिए 100 सर की रहता है। कि अगर हम टच करें, टच करते ही बैटरी जो BMS जो है हमेशा स्लिप मोड में चला जाए, वो फंक्शन इसमें अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए होता है ये। उसके बाद है ब्लीड स्टार्ट पॉइंट अपडेट करें, मतलब बैलेंसिंग वोल्टेज बोलते हैं और बैलेंसिंग करंट बोलते हैं, तो बैलेंसिंग वोल्टेज और बैलेंसिंग करंट इसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें भी दे रखा है बैलेंसिंग वोल्टेज, दिखा दीजिए, देखिए बैलेंसिंग यहाँ पे करंट वोल्टेज है, ठीक है, और करंट दे रखा है, बैलेंसिंग वोल्टेज और बैलेंसिंग 3.5 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया, करंट जो है यहाँ पे 30 है, करंट जो है 30 प्लस माइनस 5 है, पाँच का मतलब 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर में दे रखा है, तो मैंने इसको मैक्रो में कर ले तो कास्ट कर दिया मैंने, तो 50 मिली एम्पियर में मैंने इसको वो कर दिया है, तो 50 मिली एम्पियर का मैंने डिफरेंस दे दिया है इसमें, और 3.5 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ये 3.55, ठीक है। लेंसी रिलीज वोल्टेज, तो डिटेक्टिंग वोल्टेज और रिलीज वोल्टेज दोनों मतलब आसपास क्या है, ओवर चार्जिंग रिलीज वोल्टेज है, उसके बाद बैलेंसिंग में डिटेक्टिंग वोल्टेज और बैलेंस रिलीज वोल्टेज, उसके बाद बैलेंस करंट है। तो यहाँ पे हमेशा जो पुट करें ना आप बैलेंस डिटेक्टिंग वोल्टेज पुट करें, अगर नहीं हो तो आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आगे पीछे करके मतलब पॉइंटों में बढ़ा के, ऐसा नहीं कि एक बार पाँच कर देना, पॉइंटों में बढ़ाना है आपको। तो मैंने ये पुट कर दिया, लीड करंट में 30 है, 30 मैंने डाल दिया, उसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन है, ओवर चार्जिंग आप देखिए ओवर डिचार्जिंग है, ओवर चार्जिंग है, यहाँ से ओवर चार्जिंग है, तो ओवर चार्जिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओवर चार्जिंग बोले 3.75 है, यहाँ पे ओवर चार्जिंग 3.75 मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है ओवर चार्ज रिलीज है, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन डिले है, उसके बाद है ओवर चार्जिंग रिलीज है, यहाँ पे देखिए रिलीज लिखा है, ओवर चार्ज रिलीज जो है 3.55 है, 50 का डिफरेंस है, मैं 50 का डिफरेंस ले लिया। वो देखो डिस्चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग प्रोटेक्शन थ्रेश होल्ड है, अब डिस्चार्जिंग में आइए, डिस्चार्जिंग में है 2.2 प्लस माइनस 100, 2.2 प्लस माइनस यहाँ पे 100 कर सकते हैं, ठीक है। ओवर चार्जिंग रिलीज है, यहाँ पे दे रखा है रिलीज, ओवर चार्जिंग रिलीज, ठीक है, ये रिलीज है, ओवर चार्जिंग रिलीज वोल्टेज 2.5 पे है, तो हमने क्या कर रखा है ओवर चार्ज रिलीज यहाँ पे 2.5 कर दीजिए, और नहीं लिखा तो था अपने आप अपने अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, 2.55 और प्लस माइनस जो 100 दे रखा है कितना का है, ओवर डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज रिलीज प्लस माइनस 100 है, यहाँ पे प्लस माइनस 100 मैंने कर रखा है, ठीक है ऑलरेडी। और इसके बाद ओवर चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन है, इसके बाद चार्जिंग ओवर प्रोटेक्शन देखते हैं इसमें है क्या, चार्जिंग ओवर करंट है, चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन है 150, ठीक है, ये सब आप भर सकते हैं 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। आ गया चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन, चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन 150 प्लस माइनस 20, 150 प्लस माइनस यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो लोअर लिमिट में इसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिए। और इसके बाद है डिस्चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्चार्जिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन 300 प्लस माइनस है 200, बट 300 क्या है कि हमारा मशीनी है 50 एम्पीयर का, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, तो ये हम तो चार्जिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा 50 एम्पीयर तक है, बट हमारा मशीन 120 एम्पीयर डिस्चार्जिंग है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो मशीन का ही कैपेसिटी आउट ऑफ बार हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। सेकेंडरी डिस्चार्जिंग है, सेकेंडरी डिस्चार्जिंग इसमें है कि नहीं है वो चेक करते हैं हम, सेकेंडरी डिस्चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है इसको भी स्केप कर दीजिए, सेकेंडरी डिस्चार्ज में कुछ है ही नहीं। अब हम आते हैं ओवर डिस्चार्जिंग वोल्टेज प्रोटेक्शन टाइम, इसमें है क्या, देखिए ओवर डिस्चार्जिंग ओवर करंट डिले टाइम, इसमें 1 सेकंड का दे रखा है, 1000 का है मिली सेकंड का, इसको मिली सेकंड में करना, क्योंकि मिली सेकंड में तो 1000 का मिली सेकंड दे रखा है, यहाँ पे 1000 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद
है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट ओवर चार्ज करंट प्रोटेक्शन है कि नहीं। देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन इधर होगा, इसमें भी एक है, एक हज़ार एक सेकंड का है, तो हमने मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, एक हज़ार डाल दिया इसको, ठीक है। इसके बाद है ओवर डिस्चार्जिंग करंट प्रोटेक्शन, अब डिस्चार्जिंग में जाइए उसमें है कि नहीं है ओवर डिस्चार्जिंग करंट, ये भी है एक सेकंड का, तो एक सेकंड यहाँ पर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप हम क्या करेंगे, डाटा हम क्या करेंगे फीड कर देंगे, ठीक है। डाटा फीड करने के बाद सेव करना जरूर ना भूलिएगा, आपको ये सेव जरूर हम करेंगे। इसके अभी मैं डी डी में हमने सेव कर रखा है। तो इस तरह से आप हम एक प्रोग्राम पैरामीटर बनाया जाता है, बी एम एस टेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कैंसिल कीजिए यहाँ से, और इसके बाद आप जाइए डाउनलोड में, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है नहीं होगा, तो आप यहाँ जैसे जाएंगे तो डाउनलोड का एक ऑप्शन है डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन, इस पर जाके उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट वो आएगा। तो आप देखेंगे हमने प्रोग्राम किसने बना रखा है, डी डी ए बना रखा है, तो डी डी को ही डाउनलोड करेंगे, दूसरा को आप डाउनलोड नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम क्विक में जाएंगे, प्रीसीजन में जाएंगे, एजिंग में जाएंगे। प्रीसीजन में अगर आपके पास कभी कभी डाटा नहीं रहता है तो प्रीसीजन टेस्ट करके उसका एक्चुअली डाटा सीट डाटा आप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्विक में करते हैं, जल्दी में हो जाए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगा था वो सब टेस्ट हो चुके हैं क्विक टेस्ट में, और यहाँ पर ओके का निशान आ गया है, ये मतलब इसका मतलब बी एम एस हमने टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ ये कि जब बी एम एस आप पैरामीटर जब सेटिंग कर रहे हैं सेटिंग पे, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें, सेटिंग में जाएंगे उसके बाद कितना स्ट्रिंग है, एक दो तीन चार जो स्ट्रिंग है 15 स्ट्रिंग है, या वो चीज़ हमें देना पड़ेगा 15 स्ट्रिंग है क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये सेल बी एम एस पास नहीं होगा। उसके बाद ये इम्पल्स चार्जिंग ये सब चीज़ के साथ आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, बस छेड़खानी करना है तब यहाँ पे कौन सा बी एम एस आप एन एम सी यूज कर रहे हैं, एल एफ पी, ये अगर एन एम सी है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर करंट बढ़ाना है आपको, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करनी है, तो यहाँ पे आप 5 एम्पियर 6 एम्पियर यहाँ से करंट बढ़ा सकते हैं, डिस्चार्जिंग बढ़ा सकते हैं और चार्जिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप बढ़ा के और अपने अकॉर्डिंग आप ये सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये और सेव करना जरूर मत भूलिएगा। तो इस तरह से ये बी एम एस मशीन जो है काम करता है। धन्यवाद। इसमें बी एम एस टेस्टिंग मशीन में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं इसका डाटा जो एक्सेल में किस तरह निकालें, ठीक है। जैसे टेस्टिंग मैंने ओके हो गया, टेस्टिंग होने के बाद इसका डाटा एक्सेल में कहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है, आप डाटा पे जाइए, सेटिंग में जाइए, और जो फॉर्मेट में आपको चाहिए डाटा उस फॉर्मेट और को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी एक्सेल में सिलेक्ट कर रखा है और इसको ओके कर रखा है, ठीक है। वहाँ पे जाएगा पाथ, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जाइए, सॉफ्टवेयर चैनल 1 में जाइए, और ये डीडी करके जो हमें फाइल बना रखा है डीडी, और आज का डेट है 16 तारीख 3rd महीना और 2023 का, ये एक्सेल में ऑलरेडी है, यस कीजिए और इस तरह की आपको डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप डाटा जो है एक्सेल में कन्वर्ट करके इन फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं।